हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के कुछ और एग्जांपल्स करेंगे। तो पहला एग्जांपल ये रहा। तो फर्स्ट एग्जांपल करने से पहले हमें ये देखना होगा कि क्या इनका मल्टीप्लाई हो सकता है। तो जैसे मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था, ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। ये बराबर हैं तो इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी फर्स्ट रो और देन इसका फर्स्ट कॉलम, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? सिक्स को करेंगे सेवन से, यहाँ पे लिख दिया। थ्री को करेंगे सिक्स से, यहाँ लिख दिया। ज़ीरो को करेंगे फाइव से, यहाँ पे लिख दिया। अब इन तीनों का जो प्रोडक्ट आएगा उनको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में प्लस का साइन लगा दिया। देन इसके बाद हम इसके साथ करेंगे। सिक्स को करा फोर से, सिक्स को करा फोर से, थ्री को करा सेवन से, थ्री को करा सेवन से, ज़ीरो करा ज़ीरो से, ज़ीरो करा ज़ीरो से, और इनके बीच में प्लस का साइन लगा देंगे। सेम अब इस रो की बारी। इस रो को पहले इस कॉलम से करेंगे, देन इसी रो को इस कॉलम से करेंगे। तो टू को करेंगे सेवन से, तो टू को कर दिया सेवन से। फाइव को करेंगे सिक्स से, फाइव को कर दिया सिक्स से। वन को किया फाइव से और यहाँ पर लिख दिया। इस रो का इस कॉलम के साथ हो गया। अब इसके साथ करेंगे तो टू को करेंगे फोर से, फाइव को करेंगे सेवन से, वन को करेंगे ज़ीरो से। सेम हम इसके लिए भी करेंगे। पहले इसको इस वाले से करेंगे, देन इस वाले से करेंगे। तो नाइन को करेंगे सेवन से, यहाँ लिखेंगे। एट को सिक्स से, सिक्स को फाइव से, देन इधर आएंगे। नाइन को फोर से, एट को सेवन से, सिक्स को ज़ीरो से। अब यहाँ पे मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया है। सेवन सिक्स जब 42, सिक्स थ्री जब 18 और फाइव को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़ीरो आएगा। सिक्स फोर जब 24, सेवन थ्री जब 21, ज़ीरो का ज़ीरो। टू सेवन जब 14, फाइव का सिक्स से करेंगे मल्टीप्लाई तो 30 आएगा। फाइव वन जब 5, टू फोर जब 8, सेवन फाइव जब 35, ज़ीरो। नाइन सेवन जब 63, एट सिक्स जब 48, सिक्स फाइव जब 30। सेम यहाँ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। अब मैंने इनको प्लस करके यहाँ लिख दिया है। अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि हमने जो आंसर निकाला है वो ठीक है कि नहीं? तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था, ये रो और ये कॉलम, यही हमारा आंसर होगा, 3 × 2। तो ये आ गया 3 × 2। इट मीन्स हमारे नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या है, सही है। अब एक और एग्जांपल करके देखते हैं। पहले चेक करेंगे ये हो सकता है मल्टीप्लाई कि नहीं। ऑफ कोर्स हो सकता है, ये सेम है। और आंसर किस में आएगा, 2 × 2 में। आंसर किस में आएगा, 2 × 2 में, टू रोज एंड टू कॉलम्स। सेम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ आएगा। तो करते हैं पहले फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से। टू को किया फोर से, थ्री को माइनस थ्री से, माइनस वन को वन से। अब इसको करेंगे इससे और यहाँ लिखेंगे। टू को करेंगे माइनस फाइव से, थ्री को करेंगे ज़ीरो से, माइनस वन को करेंगे टू से। सेम अब इसके लिए भी यही है। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ लिखेंगे। सिक्स को करेंगे फोर से, वन को करेंगे माइनस थ्री से, माइनस टू करेंगे वन से। सिक्स को करेंगे माइनस फाइव से, वन को करेंगे ज़ीरो से, माइनस टू करेंगे टू से। तो टू फोर जा एट, थ्री थ्री जा नाइन, माइनस का है तो माइनस आ गया यहाँ पे। वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन और माइनस का यहाँ लगा देंगे। टू फाइव जा टेन, माइनस का आएगा टेन क्योंकि यहाँ पे माइनस फाइव है। ज़ीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो आता है। टू को माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू। फोर सिक्स जै 24, माइनस थ्री को करेंगे वन से तो माइनस थ्री, माइनस टू को करेंगे वन से तो माइनस टू। सिक्स फाइव जै 30, माइनस का आएगा, ज़ीरो है तो यहाँ पे ज़ीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनस टू करेंगे टू से तो माइनस फोर। अब मैंने यहाँ से सॉल्व कर दिया है, माइनस नाइन माइनस वन हो गया माइनस टेन। माइनस माइनस प्लस और साइन बड़े वाले का, तो नाइन बड़ा है तो माइनस का साइन है नाइन पे, तो माइनस टेन हो जाएगा। अब है एट माइनस टेन, प्लस माइनस माइनस होता है तो टेन में से एट गया टू
और साइन हमेशा बड़े वाले का आता है, तो 10 के आगे माइनस साइन है तो माइनस। सेम ऐसे ही हम इन सबको भी सॉल्व कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब हम 3×3 वाली मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये सेम है, इट मीन्स हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी सेम ऐसे ही होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ, और सेम इनके लिए भी होगा, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ, सेकंड रो सेकंड कॉलम यहाँ, सेकंड रो थर्ड कॉलम यहाँ। यहाँ पे भी सेम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ, थर्ड रो सेकंड कॉलम यहाँ, थर्ड रो थर्ड कॉलम यहाँ। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसको इससे, तो 3 को करेंगे 7 से, 12 को करेंगे 11 से, 4 को करेंगे 6 से। अब यहाँ पे आएंगे, इसको करेंगे इससे, तो 3 को करेंगे 3 से, 12 को करेंगे 9 से, 4 को करेंगे 8 से। अब इसकी बारी, 3 को करेंगे 8 से, 12 को करेंगे 5 से, 4 को करेंगे 4 से। अब सेकंड रो की बारी, पहले इससे करेंगे, 5 को करेंगे 7 से, 6 को करेंगे 11 से, 8 को करेंगे 6 से, देन 5 को करेंगे 3 के साथ, 6 को 9 के साथ, 8 को 8 के साथ। अब इसकी और इसकी बारी, 5 को करेंगे 8 से, 6 को करेंगे 5 से, 8 को करेंगे 4 से। अब थर्ड रो की बारी, 1 को करेंगे 7 से, 0 करेंगे 11 से, 2 को करेंगे 6 के साथ। अब यहाँ पे आते हैं, 1 को करेंगे 3 के साथ, 0 को करेंगे 9 के साथ, 2 को करेंगे 8 के साथ। अब यहाँ आते हैं, 1 को करेंगे 8 के साथ, 0 करेंगे 5 के साथ, 2 को करेंगे 4 के साथ। अब हम इन्हें सॉल्व कर लेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखा, मैं एक करके बताती हूँ। 7×3 = 21 प्लस का प्लस, 12 को 11 से करेंगे तो 132 प्लस का प्लस, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24। देन इन तीनों को प्लस कर देंगे और यहाँ लिख देंगे, आया 177। तो जैसे मैंने ये वाला किया है, सेम वैसे ये भी होंगे, इनको मल्टीप्लाई करके देन हम ऐड कर देंगे और यहाँ लिख देंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बिल्कुल ईजी है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस रो को किस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो जस्ट आप ये करें, रो वन को आप ऐसे गोला लगा दो, देन इस रो को हर कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएं, और जिस जिस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे उतनी उतनी हमारे कॉलम भी बनते जाएंगे। इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो ये C1 में आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ किया तो ये C2 में आएगा, इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे तो C3 में आएगा। अगर कोई एक और कॉलम यहाँ पे होता और इस रो को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते इसके साथ, तो एक और कॉलम बन जाता, वो C4 हो जाता। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बिल्कुल ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा, और जो मैंने आपको समझाया है आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।